भजू, अब चूंकि सेमीफाइनल इंग्लैंड के खिलाफ है और इंग्लैंड वो टीम है जिसने T20 मेरे लिहाज से रीडिफाइन किया था, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल करते करते फिर भी सेमीफाइनल में आ गए। एडिलेड में मैच है, अब कुछ लोग कहते हैं एडिलेड भारत के लिए अच्छा है क्योंकि लकी मैदान है, थोड़ा ड्राई विकेट आपको मिलेगी, मौसम भी थोड़ा गर्म होना शुरू हो गया है, वहां पर विराट कोहली के रिकॉर्ड बड़े जबरदस्त हैं, बट ये कंडीशंस इंग्लैंड को भी रास आएंगी। क्या इंडिया तैयार है? तैयार का मतलब है क्या लड़ाई ये बराबरी की है या इंडिया के पास एज है? मुझे लगता है भारत के पास एज है कि क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड से बहुत बेहतर खेल के आए हैं और वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत हाई है, इस टाइम का मोराल जो है वो काफी हाई है। वेयर एज इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने अभी दमखम दिखाया नहीं है, हाथ खोले नहीं है, बटलर खामोश रहे हैं, बेन स्टोक खामोश रहे हैं और उनके हिल्स थोड़े से पिछले मैच में रन जरूर बनाए थे बट वो ये कि 35-40 बना के आउट होते जा रहे हैं। वहीं मुझे लगता है कि इंग्लैंड वैसी टीम नहीं दिखी है कि जो वर्ल्ड कप जीत सके। बाकी टूर्नामेंट तो देखिए कोई भी जीत सकता है, ये चार टीमें पहुंची है, दो गेम आपने अच्छे खेलने, कोई भी जीत सकता है, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो जीतने वाली टीम हो भारत हो, क्योंकि वो जिस लिहाज की क्रिकेट खेली, आप देखिए वो पहला मैच पाकिस्तान के साथ, वो जो गेम शायद हम सब ने एक्सपेक्ट किया कि शायद गेम अब हाथ से निकल गया, बट वो बिलीफ जो था, वो प्लेयरों ने दिखाया कि वो बिलीफ जो है वो जरूरी है और वो बिलीफ के चलते हुए यो जो उस समय पार्टनरशिप हुई विराट कोहली की, हार्दिक पांड्या की, और वो मैच जैसे जीता, उसके बाद फिर बांग्लादेश का मैच, चाहे बरसात आई, बरसात के कारण मैच छोटा हुआ, व्हाटसोएवर, आई थिंक दिस टीम हैव दैट कॉन्फिडेंस नाउ गोइंग फॉरवर्ड और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंग्लैंड के साथ एक परफेक्ट मैच होगा जिसमें भारतीय टीम उनको शिकस्त देगी और आगे फाइनल की तरफ प्रवेश करेगी। एंड जो मेरी थोड़ी बहुत समझ कहती है मुझे इंडिया पाकिस्तान का फाइनल नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान वहां मुझे लगता है सिडनी में वहां ड्राई विकेट होगा, वहां न्यूजीलैंड को परास्त कर देगी। हरभजन तो ये कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होना चाहिए टूर्नामेंट के लिहाज से भी, वो कह रहे हैं कि अब चूंकि थोड़ी ड्राई कंडीशंस आ गई, लेकिन सनी भाई वही बात हो जाती है कि हम एक मंजिल से एक मंजिल आगे जब देखते हैं तो थोड़ा रिस्क लगता है। मुझे तो डर लगना शुरू हो गया क्योंकि हमने जब जब कहा है कि जीतेंगे तो 1-15 मिनट आके ना ट्रक हमें उड़ा के चले जाता है, मुझे बहुत डर लगता है। हाँ बिल्कुल, देखिए T20 का खेल है, T20 एक क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, पर हमें फाइनल की अभी नहीं सोचनी, हमें तो सेमीफाइनल की सोचनी है, हमें सेमीफाइनल के, क्योंकि हमारे खिलाफ जो टीम है बड़ी अच्छी टीम है, पिछले मतलब जब से बैज मैकलम उनके कोच बन गए वो तो कुछ अलग सा ही खेल खेल रहे। हाँ मैं जानता हूँ कि बैज मैकलम यहाँ पे है नहीं क्योंकि वो टेस्ट के कोच है, T20 के कोच है नहीं, पर फिर भी जो एक उन्होंने एक अंदाज दिखाया, जिस तरह का एक मैंने उन्होंने एक जो डायरेक्शन दी है टीम को कि इस तरह से खेले, एंजॉय करे, पूरी तरह से एंजॉय करे, खेल समझ कर खेले, प्रोफेशन समझ कर ना खेले, तो ये जो जिस तरह से वो खेल रहे, जिस तरह से उन्होंने जीते हासिल किए टेस्ट मैचेस में 350-400 रन एक दिन में करते, तो ऐसा लग रहा है कि इनके पास एक नई कुछ जादू उनके पास मिल गया।